सरपंच से 10 लाख की मांग करने वाले और पैसे नहीं देने पर सिर काट देने की बात कहने वाले नक्सली को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला के थाना चांदो में संगीता पैकरा सरपंच ग्राम पंचायत खजुरिया डीह के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 2 फरवरी के दरमियानी रात में अज्ञात व्यक्ति भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कोयल संघ जोन कमेटी कॉमरेड द्वारा 3 दिन के भीतर 10 लाख रुपए की मांग की गई। पैसे नहीं देने और इसकी सूचना प्रशासन व पुलिस को देने पर सिर धड़ से अलग कर 6 इंच छोटा कर देने की धमकी दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। रामानुजगंज उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन डीके सिंह के नेतृत्व में अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा विवेचना उपरांत इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में फरार चल रहे आरोपी पूर्व नक्सली कमांडर प्रवीण खेश उर्फ विनय उर्फ नेपाली निवासी ग्राम ढूंढा केसरा को टीम गठित कर झारखंड व जसपुर सरगुजा में लगातार पता तलाश किया जा रहा था, जिसे 9 मार्च को गुप्त सूचना पर साइबर सेल की मदद से नेपाली को मैनपाट लखनपुर क्षेत्र उसके सहयोगी संजय लोहा निवासी सराईडीह जिला गढ़वा झारखंड में रहने वाले को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। वहीं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ उपरांत उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अंदर खजूरियाडी ग्राम में 2 और 3 तारीख के दरमियानी रात सरपंच को के पास एक पर्चा फेंका गया था, जिसमें उनको धमकी दी गई थी कि 10 लाख रुपए दें और न देने पर उनको जो है 6 इंच कम कर दिया जाएगा। इस बात की रिपोर्ट जब थाने में हुई तो हमारे थाना प्रभारी ने इसको गंभीरता से जांच प्रारंभ किया और इसमें सफलताएं अर्जित की। इस दौरान जो है 4 आरोपियों को अरेस्ट करके भेजा गया था। उन आरोपियों से पूछताछ पर यह पता चला था कि पूर्व नक्सली कमांडर नेपाली के द्वारा जो है इस घटना में सम्मिलित होकर के जो हमको पर्चा प्रदान किया गया है, नक्सली पर्चा, तो इसकी आगे जांच प्रारंभ की गई और नेपाली को पकड़ा गया। नेपाली के पकड़ने के बाद जो है 8 और पर्चे बरामद हुए हैं। इस तरीके से जो है एक बहुत बड़ी घटना और साजिश को पुलिस ने पर्दाफाश किया है, क्योंकि नक्सली घटना से संबंधित जो है ये पर्चे थे, नक्सल माओवादी कम्युनिस्ट जो है पार्टी है उनसे संबंधित पर्चा था, और एक पर्चा देने के बाद जो है पुलिस ने इसमें सफलता हासिल की कि पूरे आरोपियों को पकड़ने में जो है इस सफलता के वजह से जो है क्षेत्र में एक नक्सली दहशत जो है उसको कम करने में या रोकने में पुलिस सफल साबित हुई। इसके लिए मैं हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SDOP हमारे DSP नक्सल अप्स TI रंजन लकड़ा साथ ही उसकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो बलरामपुर क्षेत्र में नक्सली दहशत को जो है बढ़ावा देने में लगे हुए थे, पूर्व नक्सली कमांडर जो है नेपाली उसको पकड़ करके जो है कार्रवाई किए हैं। और जैसे ये प्रकाश में आया कि उनके पास जो है एक ही नहीं, ये 8 और नक्सली पर्चे थे, तो इसकी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये धीरे धीरे जो है क्षेत्र के बाकी सरपंचों को भी ये वितरित किया जाता और एक नस्ली दहशत का आलम जो है पुनः अपने बलरामपुर क्षेत्र में स्थापित हो सकता था, भले ही छद्म रूप से हो, पर चूंकि ये नक्सली पूर्व नक्सली रहा है तो ये पूरी, और चूंकि ये आपका पर्चा भी नक्सली पर्चा है तो इसको नक्सली अंदाज से देखना उचित होगा, और एक बड़ी घटना के चेन को रोकने में जो है पुलिस सफल साबित हुई है। कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं सर? इसमें 6 आरोपी कुल गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 4 पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हुए थे और इसमें हम 2 आरोपी जो है आज गिरफ्तार किए हैं। ये नकली पर्चा जैसे बताया गया कि ये रखवाया गया था झारखंड में, तो संजय लोहार को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है और नेपाली को आज गिरफ्तार किया गया है। नेपाली द्वारा ये बताया गया कि पूरे षड्यंत्र का जो है दिक्कू यादव हम जब गिरफ्तार किए थे, जिस तरीके से जो है विमल की आवाज़ में जो है जो धमकी देने वाला कादिर को गिरफ्तार किए थे, इस तरीके से ऐसा एक बड़े साजिश को पुलिस ने पर्दाफाश किया है और ये जनहित में है, चूँकि बलरामपुर जिला एक नक्सल प्रभावित जिला है तो नक्सली दहशत को या ऐसे छद्म लोग जो नक्सली दहशत को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं उनको पुलिस ने जो गिरफ्तार कर कामयाबी और भी मामले का खुलासा हो सकता है सर, और भी कुछ बात बचे हैं? लगातार इसमें इस प्रकरण में लगभग जो है इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है प्रकरण पूर्ण हो रहा है,
पर ये एक बहुत बड़ी सफलता है ये जो है कि इसमें नक्सली दहशत को कम करने में जो है पुलिस कामयाब हुई है। और आम लोग नक्सलियों के संपर्क में आ रहे हैं, नक्सलियों की आमद भी बनी हुई है। सरगुजा संभागीय ब्यूरो आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।